अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छे से अपने पेपरों की जो है वो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 ज़ायरेज एंड स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपर ख़त्म कर लिया था और आज जो है वो हम लैब एक्टिविटीज़ को जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लैब एक्टिविटीज़ चैप्टर नंबर 5 ज़ायरेज एंड स्ट्रिंग, जहाँ तक इससे प्रीवियसली जितना भी कॉन्टेंट था वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास लैब एक्टिविटी नंबर जो है वो हमें क्या कहती है। तो हमारे पास जो लैब एक्टिविटी नंबर 1 है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके पास, वो आपके पास क्या कहता है? आपके पास कहता है कि रीड 10 नंबर्स एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं विद अवर बेसिक आर्किटेक्चर, दैट इज इंक्लूड iostream.h, या अगर आप devs यूज कर रहे हैं तो डू नॉट राइट टू पुट .h। सो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने सबसे पहले एक एरे लेनी है जिसके अंदर हम लोगों ने 10 नंबर्स जो है वो स्टोर करवाने। सो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं int, let's suppose a is the variable, ठीक है, that contain 10 indexes और that's it। उसके बाद हम लोगों ने यूज़र से लेने हैं तो हम लूप के थ्रू ले लेंगे, like int i, let's suppose i is a variable जो कि हम लूप के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम for लूप लगाएंगे यहाँ पर, for i is equals to 0, i is less than 10, that means के हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जाता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये डिस्कस किया हुआ था। और अगर आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं तो आप लेस देन इक्वल्स टू 9 भी लिख सकते हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। तो स्टार्ट किया, स्टार्ट में हम लोग कहते हैं कि इंटर इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल सी आउट इंटर इंटीजर और सी एन ए ऑफ आई। सो इतने काम से क्या हुआ कि हमने यूजर से जो है वो 10 वैल्यूज, क्योंकि लूप ही 0 से लेकर 9 तक चलेगा तो ये 10 वैल्यूज 10 इंडेक्सेस जो है वो फिल करवा देगा। फिल करवाने के बाद उसने जो नेक्स्ट चीज हमसे डिमांड की है कि इसको हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। तो रिवर्स ऑर्डर के लिए सिंपल तरीका कार ये है कि आप लोग क्या करेंगे कि इसी ये वाला जो लूप है इसको आप उल्टा चला दें। उससे पहले आप लोग यहां पर लिख दें सी आउट एरे डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर और देन आप यहां पर लूप लगाएंगे, क्योंकि ये चीज हमें लूप में नहीं चाहिए, ये एक ही दफा ऊपर लिखी हुई नजर आएगी। एंड देन यूज फॉर लूप, फॉर के अंदर हम स्टार्ट करा रहे हैं i इज इक्वल्स टू 0, अब हम लोगों ने जो स्टार्ट करवाना है वो उल्टा लूप चलाना है। लाइक हमें इसका इंडेक्स का पता है कि हमारे पास यहाँ पर इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 9 से, क्योंकि लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो n से लेस होता है, -1 होता है, तो हमने यहाँ तक स्टार्ट कराया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कराना है, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि तब तक लूप चलता रहे जब तक i का जो इंडेक्स है वो ग्रेटर रहे और इक्वल्स टू रहे 0 के, और i माइनस माइनस। और यू कैन सिंपली, अगर आपने एक ही लाइन पर प्रिंट आउट करवाना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एंडल को यूज़ ना करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट्स अप टू यू, मैं फॉर एग्जांपल एक ही लाइन पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, यानी कि ये आपने 10 नंबर्स उसके बाद आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि लाइक यू कैन कॉल ए ऑफ आई और साथ आप बैक स्लैश टी टैब स्पेस दे दें, ठीक है, और देन इसको ख़त्म कर दें गेट सी एच। और आप लोग अगर अलहदा से नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप एंडल को यूज़ कर सकते हैं, बैक स्लैश एन को भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो जो डिस्प्ले होगा वो आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो दैट इज़ योर एक्टिविटी नंबर 1, जिसमें हमें कहा गया था कि आपने यूज़र से जो है वो 10 वैल्यूज़ लेनी है। सो इतना जो पार्ट है, सो ये वाला जो पार्ट है ये आपसे यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ फॉर द रिवर्स, कि आप उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। अच्छा, मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास ये कहती है कि आप लोगों ने यूज़र से 10 नंबर्स लेने, ठीक है, और उसके अंदर से जो है वो आप लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसका इंडेक्स भी जो है वो हमें बताना है कि उसका इंडेक्स जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, और लाइक द फर्स्ट वन इज़ एस एंड आई इज़ एन इंडेक्स ले लेते हैं,
सो वी हैव टू मोर वेरिएबल्स लाइक एस एंड इंडेक्स. अब शुरू में हम लोग यहाँ पर ये काम करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास 10 वेरिएबल्स आप लोगों ने यूजर से ले लिए, जो हम लोगों ने प्रीवियस एक्टिविटी के अंदर भी परफॉर्म किया कि यूजर से आप लोगों ने 10 नंबर्स देने हैं, तो यूजर से 10 नंबर्स तक का जो कोड है वो सेम रहेगा. उसके बाद आपसे कहा गया कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि एस जो है यानी कि स्मॉल नंबर जो है वो फिलहाल जो है वो हमारे पास ए ऑफ जीरो के अंदर, यानी कि हम उसको कंपेयर करवाना चाह रहे हैं बेसिकली. कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है यानी कि जो उसकी जीरो लोकेशन पे यानी कि फर्स्ट लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है वो हमने स्मॉल को दे दिया, ठीक है. अब आगे उसका इंडेक्स यहाँ पर भी हम लिख देंगे, इंडेक्स को भी हम शुरू में जीरो कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल हम ये अज्यूम करें कि उसका इंडेक्स भी जो है वो जीरो ही है. अब लेट्स कंपेयर द वैल्यूज कि अगर हम क्या करते हैं ए फॉर लगाएंगे दोबारा से, ठीक है, और फॉर के अंदर हम लोग क्या करेंगे लूप स्टार्ट करेंगे. लूप वही है जो सेम ऊपर चल रहा है, तो सारी हर वैल्यूज़ को हम लोगों ने चेक करना है, तो हम जो ऊपर लूप लगाया उसी को काम करेंगे. अब लूप के अंदर आके हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम परफॉर्म करना है, हम यहाँ पर सिंपल सी एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ जो आपके पास एरे का इंडेक्स है ए ऑफ आई अगर वो स्मॉलर हो जाता है, अगर वो लेस है, ठीक है, किस से इस एस से, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जीरो से कंपेयर किया तो जीरो जीरो जो है एस के अंदर जो है वो वैल्यू उससे स्मॉलर नहीं होती. वन से कंपेयर करेगा, लेट सपोज कि आपके पास ये इंडेक्स है एरेज हैं सो ऑन, ठीक, आपने यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई थी फॉर एग्जाम्पल सिक्स, यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई थी फाइव, ठीक है. अब यहाँ पर इसको हमने शुरू में करा दिया था एस, इसका इंडेक्स है आपके पास जीरो, ठीक है. अब जब ये लूप आगे चलेगा यानी कि फर्स्ट वैल्यू पे ये कंपेयर करेगा तो ये बेसिकली इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा है. अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए ऑफ जो आई है फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू हम लोगों ने वन ली है, यानी कि ए ऑफ जो वन है वो क्या है लेस है एस से, क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो आप लिखें फाइव इज लेस देन सिक्स, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू बनती है. आप लोग जो है जब ऐसी कंडीशन पर आ जाएंगे तो फिर आप एस को क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, एस इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई, यानी कि अगर इससे छोटा इसको नंबर मिल गया तो फिर एस को रिप्लेस कर दें, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट कंपैरिजन में फिर जो उससे छोटी वैल्यू है उसको कंपेयर कर सके. और इसके बाद उसने एक और भी यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था कि उसको इंडेक्स भी चाहिए, तो आप यहाँ पर उसका इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं. इंडेक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से आई, सो आई वो इंडेक्स हो जाएगा, तो आपके पास इंडेक्स भी आ गया. यहाँ पर आपका जो है वो लूप ख़त्म हो गया, ठीक है. नेक्स्ट आगे क्या होगा, नेक्स्ट आगे अब एस के अंदर जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो एस के अंदर आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी और इंडेक्स के अंदर आपके पास जो भी उसका रिक्वायर्ड इंडेक्स होगा वो आपके पास इंडेक्स जो है वो भी इंडेक्स के वेरिएबल के अंदर जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से आगे आपने जस्ट डिस्प्ले करना है, तो आप लिखेंगे सी आउट स्मॉलेस्ट वैल्यू इन एन एरे. तो एक ही लाइन पे अगर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आगे आप स्टार्ट करेंगे सी आउट, यानी कि वो जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कहाँ पर पड़ी हुई है एस में, और आगे आप लिख दें एंड इट्स इंडेक्स इज, तो एक ही लाइन पे जो है वो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा. यहाँ पर आगे इसको ख़त्म कर दें तो आपके पास क्या हुआ कि यहाँ तक तो वो कोड सेम था जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया. यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है, शुरू में हमने उसकी वैल्यू जो है वो जीरो रखी है ताकि वो जीरो इंडेक्स पे उसको कंपेयर करवा सके, उसके बाद अगली वैल्यूज़ के साथ वो कंपेयर कराएगा और जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एस के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू पड़ी हुई होगी और इंडेक्स के अंदर वो वाला इंडेक्स उसको मिल जाएगा जब यहाँ पर एस की वैल्यू स्मॉल आएगी. ये सारी जो है वो एक ही लाइन पर भी लिख सकते हैं, अलग-अलग भी लिख सकते हैं, बट द सिंपल थिंग इज़ कि एस के अंदर आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है और इंडेक्स के अंदर आपके पास जो उसका जो इंडेक्स है वो आपके पास पड़ा होगा. बाकी आप लोग उसको अपनी मर्ज़ी से जो वर्डिंग है वो चेंज भी कर सकते हैं, अपने तरीके से उसको मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं. ये थी आपके पास एक्टिविटी नंबर टू. अब मूव करते हैं एक्टिविटी नंबर थ्री के ऊपर कि वो हमारे पास क्या कहती है. सो लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर थ्री. एक्टिविटी नंबर थ्री के अंदर हमारे पास ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स फाइव अपीयर्स इन द गिवन एरे, और जो एरे हमें दी हुई है वो ये एरे दी हुई है, ठीक है, कि आपके पास एक एरे दी हुई है और आपसे कहा हुआ है कि ये आपके पास इसमें आप ये काउंट करके बताएंगे हाउ मेनी टाइम्स फाइव इज अपीयर्ड इन दिस एरे, ठीक है. तो हमने यहाँ पर एक काम करना है कि हम लोग यहाँ पर सिंपल से एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं काउंट. सो लेट्स से, और काउंट को शुरू में हम करा देंगे जीरो, उसी तरह जिस तरह हम लोग इवन ऑड कैलकुलेट करते रहे हैं, ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर.
और दूसरी चीज़ कि हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, ठीक है, फॉर लूप, ठीक है, लूप स्टार्ट करते हैं फॉर, तो जस्ट कंपेयर करें, फॉर आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन 15 क्योंकि लूप जो है वो 14 तक चलेगा इंडेक्स उसका, और आई प्लस प्लस। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक काम करना है, सिर्फ इफ़ की एक कंडीशन लगानी है, इफ़, अच्छा इफ़ के साथ हम क्या कह रहे हैं कि ए डबल आर जो एरे है उसका इंडेक्स जो है आई एथ पोजिशन पे जो भी इंडेक्स है उसको चेक करो कि क्या वो इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब ये है कि वो कंपेयर कर रहा है हर वैल्यू को कि क्या वो नंबर जो है वो 5 है। अगर उसको ये समझ आ जाती है कि जो नंबर जो है, फॉर एग्जांपल वो पहले 1 के साथ कंपेयर करेगा तो यहाँ पर वो करेगा इक्वल इक्वल्स टू 5, तो ये क्रॉस हो गया, नेक्स्ट पे चला जाएगा, उससे नेक्स्ट पे जाएगा, तो यहाँ पर इसको एक 5 मिल गया। जैसे ही इसको यहाँ पर 5 मिला है तो यहाँ पर हमारे पास क्या करवा दे, वो काउंट प्लस प्लस, ठीक है, आपने सिंपल एक इतना सा काम करवा देना है। यहाँ पर आपके पास लूप ख़त्म हो गया। लूप ख़त्म होने के बाद जब ये आपके पास लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा तो काउंट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप बहुत सारे काम इसके अंदर और भी कर सकते हैं, यहाँ पर लेस देन 0 लिखेंगे नेगेटिव नंबर काउंट कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 लिखेंगे पॉजिटिव नंबर काउंट कर सकते हैं, मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इवन नंबर काउंट कर सकते हैं, ऑड नंबर काउंट कर सकते हैं, और 5 के जो है वो मल्टीपल काउंट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी चेंज करने से आप लोग जो है ये सारे काम जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने 5 नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर जो है वो हमारे पास आ गया। यहाँ पर जस्ट सिंपल सा एक सी आउट की एक स्टेटमेंट लिखेंगे के नंबर ऑफ टाइम्स 5 अपीयर्स इन द एरे इज, और यहाँ पर काउंट जो आपके पास वेरिएबल। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि आप लोग यहाँ पर से। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, सो फॉर एग्जांपल अगर आप नॉट इक्वल्स टू लेट्स से के यहाँ पर हम ये कर देते हैं, लेट्स से दिस थिंग अगर हम ये चीज़ रिमूव करते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट मॉड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो आप ऑड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑड नंबर। और इसी तरह अगर फॉर इवन नंबर, ठीक है, आप इसी तरह लेस देन 0 कर सकते हैं फॉर नेगेटिव नंबर, उसके बाद ग्रेटर देन 0 पे आप फॉर पॉजिटिव नंबर, और इसी तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं वो इसी थोड़ी थोड़ी चेंज करके हमारे पास दिए हुए होते हैं। तो थोड़ी सी सिर्फ इस कंडीशन में चीज़ें चेंज करते जाएंगे तो आप इस तरह के जो है वो काम जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो दैट वाज द एक्टिविटी नंबर 3, लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर 4 कि वो हमारे पास क्या कहती है। अच्छा जी, मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या कहती है कि आप लोगों ने ये जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स दी हुई है इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, लाइक दिस वन, कि आप लोग इस तरह का आपके पास लिखा हुआ है लाइक 6, 3, 7, 8, 4 एंड 5। सो मैट्रिसेस की फॉर्म में जो है वो आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है वो हमारे पास, ये जो आपके पास गिवन एरे दी हुई है, ये एक तो मैट्रिसेस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए और दूसरा इसका जो है वो सम कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये आपके पास 2-डायमेंशनल एरे है और 2-डायमेंशनल एरे में सेपरेशन के लिए हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स को, इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ किया जाता है फॉर द सिंगल रो। तो ये एक रो, दो रो और तीन रो, और हर रो के अंदर जो है वो दो कॉलम्स हैं, ठीक है, और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास जो है वो नेस्टेड लूप को यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उसने कहा है कि सम भी इसमें कैलकुलेट करना है, तो हम सम इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। ये हम पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि सम को हम 0 क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जब भी कोई वैल्यू जो है वो जब ऐड करते हैं तो 0 से कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा एक और वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे आई और जे, या फिर जिस तरह हम पहले कर रहे थे उसी तरह से ले लेते हैं, यानी कि रो और कॉलम, ताकि आपको समझने में जो है वो इसको आसानी हो। सो रो एंड कॉलम। अब फॉर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रो इज इक्वल्स टू 0, रो इज लेस देन 3, सो द फर्स्ट वन इज़ रो, ठीक है, और दूसरी बात रो प्लस प्लस, फिर आपके पास कॉलम के लिए, सो फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम इज लेस देन 2, कॉलम प्लस प्लस। सो आपके पास ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि करना ये है कि सबसे पहले दो काम हम लोगों ने करने, एक तो इसको जो एरे फॉर्म है उसके अंदर डिस्प्ले करवाना है और दूसरा इसका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सी आउट
एरे फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। आपके पास लिखेंगे रो, एरे का नाम क्या है, ए, ए रो कॉलम, ये आपने लिख लिया, यानी कि जो आपके पास रो है वो आपके पास करती रहेगी, यानी कि सिंगल रो के अंदर पहले आएगा और उसके अंदर कॉलम्स प्रिंट करवा देगा, और हर कॉलम्स प्रिंट करवाने के बाद थोड़ी सी क्या कर दे, टैब स्पेस दे दे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप टैब स्पेस नहीं देंगे तो ये 63 आपको लिखा हुआ नजर आएगा, यानी कि 6 और 3 को इकट्ठा प्रिंट कर देगा, दैट्स व्हाई आई पुट दिस थिंग। अच्छा, ये जब एक रो को प्रिंट कर चुकेगा, यानी कि ये सिंगल रो के अंदर जाके कॉलम्स दो प्रिंट कर चुकेगी, यानी कि रो की वैल्यू 0 होगी और कॉलम की वैल्यू 0 और 1 होगी, तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट करवाएगा। उसके बाद जब ये लूप फॉल्स होगा तो यहाँ पर नेक्स्ट पे आके, बल्कि यहाँ पर एक और भी छोटा सा काम कर लेते हैं, साथ ही यहाँ पर हम इसका सम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जा रहा है तो साथ साथ हम इसका सम भी कैलकुलेट कर लें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ रो कॉलम। सो ये सारों का सम भी अपने अंदर सेव करवाता जा रहा है। और दूसरे नंबर पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब ये इनर लूप से बाहर आए तो आउटर लूप से पहले पहले ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, यानी कि इसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सी आउट बैक स्लैश एन, या फिर आप जो है वो एंडल भी यूज़ कर सकते हैं, सो बोथ वर्क्स द सेम। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ हम लोगों ने लिख ली, इस लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड पे बैक स्लैश एन सम ऑफ द अबव मैट्रिक्स इज, ठीक है। यहाँ पर आपके पास किस में पड़ा हुआ है, हमारे पास जो सम है, लाइक वी हैव अ वेरिएबल सम, तो यहाँ पर आपके पास सम प्रिंट हो गया, एंड देन गेट सी एच। तो एक तो आपके पास ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले हो गया, और दूसरी बात ये कि आपके पास जो सम है वो यहाँ पर आपके पास प्रिंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेरी इजीली। सो दैट वाज द एक्टिविटी नंबर 4। मूव करते हैं एक्टिविटी नंबर 5 के ऊपर, कि वो हमारे पास क्या कहते हैं। एक्टिविटी 5 के ऊपर आते हैं तो वो कहता है कि हमें जो है वो डिस्प्ले कराए सम किसका, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का इन द गिवन एरे, और जो गिवन एरे हमें दी हुई है वो ये दी हुई है, यानी कि ये हमारे पास 3x4 की एरे, यानी कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक आर्किटेक्चर वही है जो हमने इससे प्रीवियस में पढ़ा, बस इसमें सिर्फ एक कंडीशन लगेगी, वहाँ पर एज अ होल सारों का सम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसके अंदर सिर्फ हम मैट्रिक्स में उन डिजिट्स का सम करेंगे जो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं। सो सम सम इज इक्वल टू 0 शुरू में इनिशियलाइज, उसके बाद हमारे पास रो है एंड देन कॉलम, ठीक है। लूप स्टार्ट करेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे फॉर रो से, रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन, अब यहाँ पर देखें आपके पास 3 है क्योंकि फर्स्ट आपके पास रो होती है, रो प्लस प्लस, वेरी बेसिक आर्किटेक्चर जिसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। सेकंड पे आते हैं तो आपके पास फॉर कॉलम की बात आती है तो कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 4, कॉलम प्लस प्लस। अच्छा जी, अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों ने लगानी है सिंपल एक बेसिक इफ की कंडीशन, कि इफ ए ऑफ जो वेरिएबल है हमारे पास ए ऑफ तो कॉलम, ठीक है, अगर वो क्या है ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब है वो क्या होगा पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करो, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस उस इंडेक्स को ए ऑफ रो कॉलम को आप प्लस करवा लें। सो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। सो इसमें सिर्फ अगर हम खाली ये कंडीशन लगाते तो ये सारा हमारे पास कैलकुलेट कर देगा देता जो हम लोगों ने इसे प्रीवियस वाले में काम किया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडीशन लगा दी है कि सिर्फ पॉजिटिव वालों का लेना है। नेगेटिव कहता है तो आप यहाँ पर लेस देन कर लें तो वो आपके पास नेगेटिव का निकलेगा। अब जैसे ये लूप पूरा कंप्लीट होगा तो इसने सारी की सारी जो है वो कैलकुलेशन आपके पास सम ऑफ पॉजिटिव जो है वो नंबर आपके पास कर लिया, तो यहाँ पर आप सिंपल से सी आउट लगा सकते हैं, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इन द गिवन एरे इज, और यहाँ पर सिंपली आप जो आपके पास वेरिएबल है वो आप यूज़ कर लें, देन गेट सी एच। सो दैट वॉज द एक्टिविटी नंबर 5, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है वो प्रिंट आउट करवाने के लिए दिया गया है। प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने ये एक साथ भी लिख सकते हैं, लाइक ये वाला यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अलग-अलग से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स नहीं भी डालेंगे,
तब भी जो है वो ये काम जो है वो चल जाएगा। मैंने इनिशियलाइजेशन के टॉपिक में बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी कि वो हमारे पास क्या कहती है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास है कि आपके पास ये गिवन दो एरे दिए हैं ए और बी, ठीक है, जिसकी डायमेंशन 2x4 है, ठीक है, आपने वो लेने हैं और इनकी एडिशन करनी है और कुछ आउटपुट जो है वो आपके पास इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एडिशन दोनों की होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक तीसरी मैट्रिक्स लेंगे जिसको हम सम का नाम देते हैं, ठीक है, और वो भी हमारे पास 2x4 की ही होनी चाहिए। बेसिक रूल जो है वो हम फॉलो करेंगे, लाइक हम लोग ले लेते हैं दो वेरिएबल, यहीं पे ले लें रो कॉलम, सिंपल, ठीक है। अच्छा मैं चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल ही रखूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर फॉर लूप लगेगा आपका सबसे पहले, और रो हमें पता है रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन 2, रो प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरह फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम इज लेस देन 4, कॉलम प्लस प्लस। और यहाँ पर आके आपने एक ही काम करना है, यहाँ पर आके आपने सम करना है, ठीक है, सम करते जाना है और साथ साथ आप लोग क्या करेंगे डिस्प्ले भी करते जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सम रो कॉलम इज इक्वल्स टू, यानी कि इसके जो पहले इंडेक्स पे पड़ी है, यानी कि 0 रो और 0 कॉलम पे आप क्या चीज़ ऐड करवा रहे हो, ए ऑफ रो, यानी कि उसका 0 कॉलम और कॉलम, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने कुछ इस तरह से डिस्प्ले देना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नीचे सी आउट लिखेंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे सम रो, और वो साथ साथ हम प्रिंट भी करवा रहे हैं, और उसके बाद क्या हो, थोड़ा सा स्पेस दे तो बैक स्लैश टी लिखेंगे साथ, और जब ये लूप ख़त्म हो, यानी कि एक रो जो है वो आपके पास ख़त्म हो जाए, यानी कि इसने सबसे पहले पहली दो को ऐड करवाया, यानी कि 14 और आपके पास 2 को ऐड करवाएगा और आपके पास आंसर आता है 16, उस 16 को यहाँ पर आपके पास प्रिंट करवा देगा। उसके बाद इसी की सेकंड पोजीशन पे जाएगा 8 को, और उसके बाद उसको ऐड करवाएगा जो है वो हमारे पास 3 के साथ, और इसी तरह ये सॉर्ट आउट कराएगा बाकी सारे, ठीक है। अब इसने एक आइट्रेशन कम्प्लीट करी है, एक आइट्रेशन के बाद यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट लाइन पर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखें 17 के बाद ये नेक्स्ट लाइन है, इसका मतलब है ये रो 1 है और ये रो 2, ठीक है। अब रो 1 से जब आपने पूरा डाटा कंप्लीट कर लिया, ये सारा कुछ प्रिंट भी साथ कर लिया, तो उसके बाद आप जब सेकंड रो पे जाने लगेंगे, क्योंकि रो अब 0 है, 0 से जब 1 होगी तो उससे पहले आप नेक्स्ट लाइन पर चले जाएँ, तो उसके लिए आप बैक स्लैश एन यूज़ कर सकते हैं, एंडल यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज़ करें। सो आपने लूप जो है वो ख़त्म कर दिया, देन गेट सी एच, सो आपके पास जो है वो ये रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगी, जिस तरह उसने कहा ये आउटपुट चाहिए उसी तरह जो है ये आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी। इससे पहले आप ऊपर लिख भी सकते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सो आप लोग यहाँ पर उसको लिख सकते हैं और बाकी सारा काम जो है वो आपके साथ चला जाएगा। ये थी आपके पास लैब एक्टिविटी नंबर 6, सो दैट वाज वेरी इजी। मूव करते हैं अगली लैब एक्टिविटी की तरफ कि वो हमारे पास क्या कहती है। अच्छा जी, मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 7, और उसके अंदर आपसे ये कहता है कि आप लोगों ने एक एरे लेनी है 2-डायमेंशनल की, और उसके अंदर जो रो का सम है वो प्रिंट करवाना है, लाइक कुछ इस तरह से लेनी है आप। मैं फॉर एग्जांपल 2x2 की ले लेता हूँ ताकि आसान रहे। फॉर एग्जांपल आपके पास है अगर 2, 3, 4 और 5, और जब ये प्रिंट हो तो आपके पास लिखा हुआ है सम ऑफ रो 1 इज, या सम ऑफ रो 1, ठीक है, वो आपके पास आ गया 5, एंड सम ऑफ रो 2 इज 9, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, इससे आगे आप ले के जाना चाहें तो वो आपकी मर्जी, ठीक है, 3x3 की ले लें, 2x3 की ले लें, ठीक है, इट्स अप टू यू। मेथड जो है वो सेम ही रहता है, जेनेरिक में सिर्फ लूप की वैल्यूज जो है वो आगे पीछे चेंज होती रहती हैं, बाकी क्राइटेरिया जो है वो सेम रहते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो क्या करेंगे, एक 2-डायमेंशनल एरर ले लेंगे, लाइक हम लोग कहते हैं कि ए 2x2 की है, सामने को एक एरर ले ली है 2x2 की, आप इसको 3x3 ले सकते हैं, 4x4 ले सकते हैं, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक और वेरिएबल लेना है जिसको हम लोगों ने कहा है सम, उसकी वैल्यू हम लोगों ने शुरू में रखनी है 0, ठीक है। इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें, क्योंकि हम लूप लगा रहे हैं, नेस्टेड लूप लगा रहे हैं, तो फिर हम वेरिएबल्स पे मूव करेंगे, तो रो और कॉलम, सही है। सो दो वेरिएबल्स भी हम लोगों ने ले लिए हैं, ठीक है, एक सम के लिए कि सम, ईच रो का हम लोगों ने सम करना है।
अब सबसे पहले यूजर से लेने के लिए आप लूप लगाएंगे और आप यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर रो इज इक्वल्स टू जीरो, रो इज लेस देन टू, रो प्लस प्लस. इसी तरह फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू जीरो, कॉलम इज लेस देन टू, कॉलम प्लस प्लस. आप डिफरेंट वे से ले रहे हैं, 3x2 की ले रहे हैं, 2x3 की ले रहे हैं, 3x3 की ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर चेंज करते जाएं तो वो उस हिसाब से जो है वो आपके लिए प्रिंट आउट कर देगा. और यहाँ पर आप लोग कहते हैं सी आउट एंटर. थोड़ा सा टिपिकल वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पर, लाइक मैं लिखता हूँ ए ऑफ, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा. अब आपको पता है कि यहाँ पर मैं साथ साथ इंडेक्स भी प्रिंट करवा रहा हूँ. सबसे पहले रो आएगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो, रो का वर्ड यूज़ किया. उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होगी, सो ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो गई है. ठीक है, ये लिखने के बाद आपके पास सॉरी ये नेक्स्ट ब्रैकेट भी स्टार्ट होगी और आपके पास यहाँ पर कॉलम. सो आप लोगों ने ये इस तरह से प्रिंट करवाना है. लेकिन यहाँ पर भी एक एरर है. ठीक है, लाइक अगर आप रो लिखेंगे तो वो 0-0 करेगा, लेकिन कंप्यूटर में जो है वो 0-0 का कोई क्राइटेरिया नहीं होता. तो आप उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर आप थोड़ी सी वर्ड चेंज करेंगे, आप लिखेंगे रो प्लस वन, कॉलम प्लस वन. ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा सेंसेबल लगे कि 1x1. तो आपके पास सबसे पहले जब ये प्रिंट होगा तो ये कुछ इस तरह से कहेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए 1 1. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी तो 1 2, उसके बाद 2 1 2. सो दैट इज़ द आइट्रेशंस. ठीक है, जिस तरह से आप लोग करवा सकते हैं तो इसी तरह आपके पास लिखा हुआ आएगा. ठीक है, रोज़ की जगह पर आपके पास 0 की जगह 1 लिखा हुआ आएगा, एक उसमें प्लस कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो गिनती है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो 0 से स्टार्ट होती है. तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये छोटी सी चेंज किया. उसके बाद आप वैल्यूज़ जो है वो सेव करवा सकते हैं सीन, और आपने वैल्यू सेव करवानी है ए ऑफ रो और कॉलम के ऊपर. यहाँ पर आपने वैल्यू सेव करवा ली, तो ये आप इस चीज़ को एक अलग रख लें. ये तो आपने यूज़र से वैल्यू ले लिया. अब आपने नेक्स्ट लूप लगाना है जिसमें हम लोग सम करेंगे. ठीक है, सो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर अगेन रो इज इक्वल्स टू जीरो, सेम काम, रो इज लेस देन टू, रो प्लस प्लस. इसको यहीं पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी खिचड़ी पक जाती फिर. सो यहाँ पर लिखेंगे फॉर कॉलम के लिए लिखेंगे कॉलम इज इक्वल्स टू जीरो, कॉलम इज लेस देन टू, कॉलम प्लस प्लस. अब उसने कहा है कि आप लोगों ने ईच रो का सम करना है. ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे सम, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ रो कॉलम. सो आप लोगों ने अब ये जब इनर वाला लूप खत्म होगा, जब एक इनर लूप खत्म होगा तो एक रो का जो सम है ना वो यहाँ पर इसके अंदर कैलकुलेट हुआ होगा. ठीक है, तो ऊपर वाले लूप से जाने से पहले आप लोग यहाँ पर क्या लिखें, सम ऑफ रो. अब यहाँ पर वन चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली हमारे पास हमें पता है कि रो का डाटा चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रो प्लस वन. ठीक है, यानी कि रो वन हमारे पास लिखा हुआ है. और यहाँ पर इज या कॉलन उसने डाला हुआ था, तो अप टू यू के वो जिस तरह कहता है. ठीक है, और जो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है सम के पास. अब एक जो रो है वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट आउट करवा दिया है. अब इस रो को हम लोगों ने जो सम है उसको हम लोगों ने क्या कर देना है, जीरो. सो हम लोग यहाँ पर कर देंगे सम इज इक्वल्स टू जीरो अगेन. यानी कि एक रो का हमने प्रिंट करवा दिया, एक रो का प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट है. और दूसरी चीज़ फिर यहाँ पर हम बैक स्लैश एन यूज़ कर लेंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए. ठीक है, ताकि एक रो का प्रिंट करवाने के बाद फिर दूसरा नेक्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है. ठीक है, इस तरह से, वरना वो एक ही लाइन पे आ जाएगा. तो हमने एक तो काम ये किया कि सम को जीरो करा दिया ताकि वो जब नेक्स्ट रो पे जाए तो ये अगेन फिर सम जो है वो जीरो ही हो और नेक्स्ट रो का जो है वो आपको जो है वो सम करवा के देता रहे. ठीक, ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर काम खत्म. ठीक है, जब ये लूप प्रिंट होगा तो ये आपके पास प्रिंटिंग के लिए, तो ये आपके पास गेट सी एच. अब इसमें देख लें कि ये आपका यूज़र से डाटा लेने के लिए और ये उसका ईच रो के लिए. अगर हम यही वाला काम जो है वो यहाँ पर करते तो ये फिर पूरे लूप का हमें प्रिंट आउट करवा के देता, लेकिन आपने ईच रो का लेना था तो वो फिर हम आउटर लूप से पहले पहले लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आउटर लूप जो है वो रो का होता है. इसलिए मैंने यहाँ पर रोज़ और कॉलम
के साथ आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है वो इसमें ज़्यादा ना हो। तो ये सबसे पहले डाटा लेने के लिए, जो आप सबसे पहले डाटा लेगा, डाटा लेने के बाद आपको ईच रो का जो है वो सम जो है वो आपके लिए प्रिंट आउट करवा देगा। सो दैट वॉज द एक्टिविटी नंबर 7। लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर 8 के वो क्या कहती है हमारे पास। सो मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि हमारे पास कह रही है कि रीड अ स्ट्रिंग, कॉपी इट टू अनदर स्ट्रिंग एंड प्रिंट बोथ स्ट्रिंग। ठीक है, सो इस पर्पज़ के लिए जो हम चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ की आइट्रेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करें। अब स्ट्रिंग्स के लिए जो है वो हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं string.h, क्योंकि उसके बगैर जो है वो स्ट्रिंग के फंक्शन जो है वो काम नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूड string.h और बाकी हम यूजिंग std और देन चैलेंज काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने क्या कहा है कि हमने बेसिकली दो स्ट्रिंग्स लेनी है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं str1 और उसकी लेंथ जो रखते हैं, साइज आप बेशक रख लें लाइक 30, और दूसरी आपने स्ट्रिंग लेनी है जिसके अंदर हमने कॉपी करना है, तो ये भी हम लोगों ने कितनी ली है 30। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स हम लोगों ने ले लेनी है। अब देखेंगे, वो कहता है कि स्ट्रिंग्स आपने यूज़र से लेनी है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यूज़र से ले लेते हैं स्ट्रिंग। तो हम लोग यूज़र को कहते हैं सी आउट इंटर एनी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आप सी इन नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वो ब्लैंक स्पेसिस को एज ए टर्मिनेटर लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ सी इन डॉट गेट। इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप वैल्यू जो है वो यूज़र से लेना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे str1, इसका जो साइज़ है दैट इज़ 30। ठीक है, अब ये वाला काम जो है वो आप एक और फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गेट s। ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करेंगे, दो पैरामीटर्स नहीं पास करेंगे। ठीक हो गया, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि सी इन डॉट गेट का फंक्शन यूज़ किया। फंक्शन यूज़ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब वो कहता है कि इसको किसी और स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करवाना है। तो हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास एक और फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग का फंक्शन है, जिसकी लाइब्रेरी हम लोगों ने यूज़ करवाई है, दैट इज़ कॉपी। तो strcpy, यानी कि स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है, और स्ट्रिंग कॉपी के अंदर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कॉपी करवाएंगे। लेट्स से कि हमारे पास इसके अंदर कॉपी करवाना चाह रहे हैं, तो इसको हम पहला आर्ग्यूमेंट रखेंगे str2, इसके अंदर जिसके अंदर हमने कॉपी करवाना है, और कहाँ से कॉपी हो रहा है, स्ट्रिंग वन के अंदर से str1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने यूज़र से वैल्यू ली थी str1 के अंदर, वो डाटा उठा के हमने किसके अंदर डाल दिया, str2 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो str1 के अंदर डाटा है वो ही str2 के अंदर डाटा है। तो अब लेट्स प्रिंट द स्ट्रिंग। सो हम यहाँ पर उसको दोनों को, उसने कहा है कि प्रिंट भी करवाना है। सो हम प्रिंट के लिए जो हम यूज़ कर लेते हैं, हम यूज़ कर देते हैं पुट एस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुट एस, हम यहाँ पर कह सकते हैं str1 और पुट एस str2। सो इस तरह से भी कर सकते हैं, सी आउट से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर जो है वो पुट एस ही यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग्स के लिए। तो आप ये उसने कहा दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो आप लोगों ने पुट करवानी है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू क्या कहती है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रीडेबल प्रोग्राम बनाने चाह रहे हैं, तो आप सी आउट में लिख लें इसको। सो आप लोग लिख सकते हैं सी आउट फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि str1 दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, वहाँ से भी ये काम करता है। लेकिन एक चीज़ है कि पुट टेस्ट जब आप लगाएंगे तो फिर आपको हैंडल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या करता है पुट टेस्ट, जब भी कोई चीज़ प्रिंट करवाता है तो साथ लाइन फीड भी करवा देता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। सो दैट वॉज द एक्टिविटी जिसमें हम लोगों ने उससे कहा था कि अब इतना पार्ट जो है वो यूज़र से लेने के लिए, ये जो है वो कॉपी करने के लिए, और ये जो है वो उसको डिस्प्ले करने के लिए। सो यूज़र से इनपुट, कॉपी एंड देन डिस्प्ले। सो ये जो है वो आसान सा काम है, दो काम इसके अंदर, तीन काम हो रहे हैं, सो जो कि हम लोगों ने करवा दिए। ठीक है, आई होप कि ये एक्टिविटी जो है वो आपको समझ आ गई होगी। मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी के वो हमारे पास क्या कहती है। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना होता, कि एक ही वीडियो में जो है वो आप सारे के सारे प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से समझ सकें और सीख सकें। सो मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 9 की तरफ, दैट इज़ सेकंड लास्ट एक्टिविटी। और वो हमसे कहना क्या चाह रहा है, कहता है कि यूज़र से आप लोगों ने रीड का वर्ड यूज़ किया, तो आपने यूज़र से लेना, कहता है कि रीड टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, कि दो स्ट्रिंग्स आपने लेनी है जिनका साइज़ आपके पास क्या होना चाहिए,
20 की होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने परफॉर्म करनी है। पहली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने प्रिंट बोथ स्ट्रिंग्स विद देयर लेंथ, कि फॉर एग्जांपल आपने दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो प्रिंट करवानी है और साथ उनकी लेंथ भी होनी चाहिए। और दूसरा काम क्या कहता है, कंकेटिनेट द सेकेंड स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, एंड प्रिंट। ठीक हो गया, तो लेट्स सी के ये किस तरह से काम करता है और ये फंक्शन किस तरह से काम करेंगे। सो लेट्स से के वी हैव टू इंटीजर, सॉरी टू स्ट्रिंग्स, सो सी कैरेक्टर एस टी आर वन, जिनका साइज उसने कहा है 20 रखना है, तो ठीक है। एस टी आर टू, इसका साइज भी उसने 20 रखने को कहा है, तो हमने दोनों का साइज हमने 20 रख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने स्ट्रिंग डॉट एच हमने यूज़ किया हुआ क्योंकि हमें ये फंक्शन ज़रूरत है, ठीक है। अब वो कहता है कि बेसिकली हम लोगों ने यूज़र से लेना, तो हम लोग कहेंगे इसको सी आउट इंटर स्ट्रिंग वन और सी इन डॉट गेट, दोनों मर्जी यूज़ कर लें आपकी, स्ट्रिंग वन और दूसरा है 20 जो इसका साइज है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सी आउट इंटर स्ट्रिंग टू और सी इन डॉट गेट, या यहाँ पे जो है वो आप गेट एस को, गेट एस में हम कहते हैं एस टी आर टू, सो इसमें साइज की ज़रूरत नहीं होती। दो स्ट्रिंग्स ले ली हैं, पहला काम आपका हो गया, उसमें कहता है कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है दोनों स्ट्रिंग्स की, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो यूज़ किया जाए, तो हम लोग हम यहाँ पर लिखते हैं सी आउट, सॉरी सी आउट फर्स्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज, तो आपके पास यहाँ पर पहले स्ट्रिंग आएगी लाइक योर एस टी आर वन, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग होगी। अब आगे लिखेंगे विद लेंथ, विद लेंथ, और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन लगाएंगे, दैट इज़ फंक्शन का नाम जो है वो हमारे पास एस टी आर एल ई एन, एस टी आर एल ई एन स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, और इसके अंदर हम एस टी आर वन जो है वो पास करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसने क्या रिटर्न कर दी, आई होप कि ये जो है वो फ्रेम से बाहर ना हुई हो। लेट्स से इसको थोड़ा सा फ्रेम के अंदर ले आते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन, ठीक है, तो कॉलन डालेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद उसने क्या किया कि आपके पास लेट्स से के आउटपुट में आते हैं, तो आउटपुट में साथ साथ बताता भी जाता हूँ। सो लेट्स सपोज कि उसने हमें कहा इंटर स्ट्रिंग वन, लेट्स से मैंने कहा उमेर, ठीक है, लेट्स से उसने कहा अगेन इंटर स्ट्रिंग टू, सो लेट्स से मैंने कहा खान, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स हम लोगों ने लिए, एक उमेर और एक खान, ठीक है। अब हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रिंग वन, नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पे आके हमें वो स्ट्रिंग पुट करवानी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस टी आर वन, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर प्रिंट हुआ, ठीक है, उमेर प्रिंट हो गया। और उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लेंथ, लेंथ और कॉलन, यहाँ पर हमारे पास आएगा लेंथ कॉलन, ठीक है, जिस तरह हम प्रिंट करवाते जा रहे हैं। और उसके बाद हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ एस टी आर एल ई एन, और इसके अंदर एस टी आर वन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसने काउंट किए 1 2 3 4 5, तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 5, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सेकेंड स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएंगे, लेकिन वो बैक स्लैश एन से, सो आपके पास लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग टू, ठीक है, स्ट्रिंग टू, और उसके बाद बैक स्लैश एन, फिर इसी तरह स्ट्रिंग टू, बैक स्लैश एन, एस टी आर एल ई एन और एस टी आर टू। सो ये आपके पास दूसरी स्ट्रिंग आपके पास यहाँ पर आएगी, तो आपके पास लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग टू, ये स्ट्रिंग वन है, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा खान, और उसके बाद आपके पास लिखा आएगा लेंथ, इसकी क्या है 1 2 3 4,
सही है, आपके पास फोर स्टार्ट करेगा। इसमें नल करेक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, बाकी सारी करेक्टर जो है वो इसमें प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने हमें क्या कहा है, उसके बाद इसने हमें कहा है कि कॉन्केटिनेट द सेकेंड स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग एंड प्रिंट, ठीक है। अब हमारे पास एक और फंक्शन यूज़ होता है स्ट्रिंग का, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके बाद। तो आपके पास जो फंक्शन है वो है दैट इज़ str। अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा था इसलिए डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है। ये फंक्शन जो है वो डायरेक्टली कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए हम लोग क्या करें कि str cat string concatenation का फंक्शन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास वो कहता है सेकेंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड पे प्लेस करना है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगी str1, ये फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो उसके साथ फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड पे हम लोगों ने जो स्ट्रिंग लगानी है वो आर्ग्यूमेंट देंगे स्ट्रिंग टू। इसने क्या किया कि उमेर और खान को इकट्ठा करके किस में सेव करा दिया, स्ट्रिंग वन में। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट लिख सकते हैं पुट एस स्ट्रिंग वन। सो आपके पास ये लेंथ फोर के बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा उमेर। सो ये सारा इकट्ठे ही लिखा हुआ है, बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पेसेस को भी वो काउंट करता है। अगर आप उमेर के साथ स्पेस देंगे तो फिर वो वहाँ से काउंट कर लेगा, ठीक है, फिर एक एक करेक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो इस तरह से क्या हुआ कि ये वाला काम हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज़र से लेने के लिए कर लिया, ये उसकी लेंथ फाइंड आउट कर दी, ये उसको कनकेटिनेट कर लिया। मतलब कनकेटिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेकेंड जो स्ट्रिंग थी, यानी कि जो सेकेंड स्ट्रिंग थी, इसको हमने फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड पे प्लेस करवा दिया, यानी कि इसके एंड पे जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग वन है उसके साथ स्ट्रिंग टू भी कनकेटिनेट होगी और वो सेव कहाँ हुई है, स्ट्रिंग वन के अंदर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आई होप कि ये एक्टिविटी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द लास्ट एक्टिविटी के वो हमारे पास क्या कहती है। नेक्स्ट एक्टिविटी का मैंने कुछ पार्ट रिमूव नहीं किया, लेट डिस्कस के वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से काम करेगा, ठीक है। हमारे पास वो कहता है कि तीन स्ट्रिंग्स लेनी है यूज़र से, ठीक है, और उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है वो हमारे पास प्रिंट आउट करवाते हैं। तो थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि ये जो है वो चीज़ें सारी कवर हो जाए, ठीक है। लेट स्टार्ट। सो हमारे पास है स्ट्रिंग वन और साइज हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं, उसने साइज की रिस्ट्रिक्शन नहीं कही। स्ट्रिंग टू एंड देन स्ट्रिंग थ्री। सो तीन स्ट्रिंग्स जो है वो हमने ले ली हैं। अब तीनों स्ट्रिंग्स को हमने यूजर से लेना है, तो हम यहां पर कहेंगे सी आउट इंटर स्ट्रिंग वन और जो मर्जी आप यूज़ कर लें, सी इन डॉट गेट यूज़ करूँ मैं, तो str1,20। सो आपके पास एक स्ट्रिंग होगी सी आउट इंटर स्ट्रिंग टू और यहाँ पर मैं गेट एस यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद तीसरी स्ट्रिंग है इंटर स्ट्रिंग थ्री और सी इन डॉट गेट str3 और साइज इसका है 20। सो हम लोगों ने क्या किया कि ये तीन स्ट्रिंग जो हैं वो यूज़र से ले लिए, ठीक है। अब वो कहता है कि इसका स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। देखिए कई लोग यहाँ पर जो है वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, वो इस चीज़ को गलत कर लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग का फंक्शन है स्ट्रिंग कंपेयर का, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए बना है, ठीक है। जब आपके पास तीन स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन आएंगे तो वो नहीं कर सकता। दूसरा, वो बेसिकली केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आपने उमेर लिखा है और दूसरा भी आपने उमेर लिखा है, ठीक है, और एक का उमेर का ओ जो है वो फर्स्ट लेटर वो आपने कैपिटल लिख दिया और दूसरे का स्मॉलर लिख दिया, तो वो फर्स्ट को ग्रेटर करवा देगा, ठीक है। तो वो केस सेंसिटिव है, ठीक है, वो इस केस के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पर आप जो है वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सी कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर वो जिस तरह तीन नंबर्स हम लोगों ने लिए थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या है हमारे पास str स्ट्रिंग लेंथ। अब स्ट्रिंग लेंथ जो है वो
वन, अगर ये जो स्ट्रिंग लेंथ है ठीक है इसकी, अगर वो क्या है ग्रेटर है किसकी स्ट्रिंग लेंथ से, स्ट्रिंग लेंथ str, सॉरी स्मॉलर काउंट करें तो लेस होना चाहिए, लेस देन str 2, ठीक है ये इसकी एक हो गई कंडीशन। दूसरा हम लगाते हैं यहाँ पर एंड, और यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन को अपनी प्लेस करते हैं, दैट इज str len और str 1, उसको कह रहे हैं कि वो लेस होनी चाहिए किससे, str स्ट्रिंग लेंथ str 3 से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या किया कि हमने एक छोटी सी कंडीशन बनाई कि जो लेंथ आ रही है किसकी, स्ट्रिंग 1 की, वो लेस है किससे, स्ट्रिंग 2 से, और स्ट्रिंग 1 की लेंथ है स्ट्रिंग 3 से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप ये कहेंगे सिंपल सी आउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 इज स्मॉलेस्ट, सिंपल ठीक है। इसके बाद आपके पास else if, अच्छा else if में सेम कंडीशन यही है, यानी कि आप लोग लिखेंगे str स्ट्रिंग लेंथ str 2 की वो लेस है किससे, str स्ट्रिंग लेंथ str 1 से, और फिर और यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, और str जो लेंथ है str 2 की वो लेस होनी चाहिए str लेंथ है str 3 से। सो होप्स हो कि ये फ्रेम से बाहर ना गया हो, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आप लोगों ने लिख दिया, उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, अगर ऐसा है तो स्ट्रिंग 2 इज स्मॉलेस्ट, सो इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद एल्स, एल्स में कंडीशन नहीं होती, और ये सिंगल स्टेटमेंट थी इस वजह से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं डाली, ठीक है। सी आउट स्ट्रिंग 3 इज स्मॉलेस्ट, सो दैट वॉज द सिनेरियो। सो ये उसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने नंबर्स को फाइंड आउट किया था कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, और देन सेकंड में हम लोगों ने कहा था बी इज ग्रेटर देन या लेस का कंडीशन सिंपल ही है, ठीक है। अगर उसने स्मॉलेस्ट कहा है तो आप लेस देन का सिंबल लगा दें कि अगर जो लेंथ है छोटी है किससे, स्ट्रिंग 2 से, और ये भी छोटी है स्ट्रिंग 1 से, इसका मतलब है दोनों से छोटी है, इसका मतलब है स्ट्रिंग 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है। यही क्राइटेरिया स्ट्रिंग 2 के साथ है कि स्ट्रिंग 2 जो है वो लेस है स्ट्रिंग 1 से, इसी तरह स्ट्रिंग 2 अगर लेस है स्ट्रिंग 3 से, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तो फिर हम कहेंगे स्ट्रिंग 2 इज स्मॉलेस्ट, और एट द लास्ट कि अगर कोई स्ट्रिंग जो है ना फर्स्ट या सेकेंड स्मॉलेस्ट है, तो फिर वो इट इज़ कन्फर्म कि स्ट्रिंग 3 जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो ये एक प्रोग्राम था, ठीक है। ये आपकी लैब एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मैंने कोशिश तो यही की है कि एक ही लैब पूरे इस सेशन के अंदर आपको सारी लैब एक्टिविटीज़ जो है वो ए टू जेड जो है वो करवा दूँ, और साथ साथ आपको समझा भी पाऊँ कि आपको ताकि किसी भी डिफ़िकल्टी की सामना जो है वो ना करना पड़े। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए सॉल्व करूँ, तो वो भी कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे तो मैं आपका जो क्यूरीज़ हैं वो सॉर्ट आउट इंशाल्लाह से कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।